मूसलाधार बारिश का प्रकोप तेलंगाना के भद्राचलम पर भी बरस रहा है। भद्राचलम में गोदारी नदी जो है उसका पानी 68% पार कर गया है। कई गांव ऐसे हैं जो गोदारी नदी की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए भद्राचलम में धारा 144 लगा दी गई है। भद्राचलम में ताजा स्थिति क्या है हम आपको दिखाते हैं आशा संवाददाता बशीर की रिपोर्ट में। अभी हम मौजूद है गोदावरी नदी के तट पर जहां पर यहां ये भद्राचलम घाट है जहां पर आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज होता जा रहा है, पानी का लेवल कितना ऊंचा उठते जा रहा है। अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में पानी का लेवल जो है 67 फीट तक आ चुका है, जबकि यहां पर थर्ड वार्निंग लेवल सिर्फ 53 फीट पर लगा होता है। सारी दुकानें सारी स्टॉल जो यहां तट पर लगी होती हैं उनको ऊपर लाया गया है। सारे मंदिर यहां पर जो है वो पानी में पूरी तरीके से डूबे दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर परिस्थितियां हैं। पानी का बहाव गोदावरी का आप देख सकते हैं कितना भयंकर होता जा रहा है। हर मिनट यहां पर पानी का बहाव जो है बढ़ता जा रहा है। अब अधिकारियों की अगर माने तो अधिकारियों ने यहां पर सेफ डाइवर्स को यहां पर रखा है। लोगों को खास करके ऐलान किया जा रहा है कि वो अपनी अपनी जगहों को छोड़कर कोई सेफ सुरक्षित जगहों पर या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर पानी का लेवल 5 फीट ऊपर हो गया तो ये बैरेज को पार करके ये पूरा यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे टाउन है वहां पर पानी उतरना शुरू हो जाएगा। तो इसको लेकर अधिकारियों ने सख्त बंदोबस्त किया है गोदावरी के तट पर। लगभग 1000 से 1100 लोगों को यहां से रिहैब सेंटर्स में शिफ्ट किया गया है अधिकारियों के मुताबिक। और ये माना जा रहा है कि आज रात में या फिर कल सुबह तक हैवी फ्लड्स आने की आशंका है। और ये सारे घर जो यहाँ पर अभी नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं ये पानी की दबोच में आ जाएंगे, पानी में डूबे हुए रहेंगे कल सुबह तक, ये इनका मानना है। अभी लेवल 67 फीट पर है लेकिन अगर लेवल बढ़कर 72 तक आया तो ये पानी सीधे सीधे इन घरों में घुसता जाएगा। तो यहाँ पर सैंड बैग्स रखे गए हैं इधर सारे तट पर। अगर कहीं पानी का बहाव ये स्टेप से ऊपर आ गया, ये तट की करीब आ गया, तो इस सैंड बैग्स के इस्तेमाल से पानी के बहाव को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है इस टाउन में बहने से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधिकारियों ने सारे बंदोबस्त किए हुए हैं। लगभग कोई भी जानी नुकसान यहाँ पर नहीं रिपोर्ट हुआ है, ये अधिकारियों का कहना है। और आगे चल के लगभग सारे अभी तक 54 विलेजेस को इवैक्यूएट किया गया है, जिसमें 11,000 लोगों को रिहैब सेंटर्स में शिफ्ट किया गया है। उनको सारी सहूलतें दी जा रही हैं, बेसिक सहूलतें दी जा रही है। बाकी सारी जो भी गांव यहां पर आसपास में पड़ते हैं उनको अभी भी इवैक्यूएट किया जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ अब्दुल बशीर, भद्राचलम।